हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट को लेकर। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर आपका जो सेटिंग है वो अब चेंज हो चुका है। जो पहले आप ब्राउज़र में जाकर अपने अकाउंट को डिलीट कर लेते थे, बट अब यहाँ पर जब से सेटिंग चेंज हुआ है आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप किसी भी जो आपका यूजर अकाउंट है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट है, आप डिलीट करना चाहते हैं, तो नए अपडेट के बाद कैसे डिलीट कर सकते हैं, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो फ्रेंड्स बने रहिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल बीजटेक पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप यहां पर सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इसी रिलेटेड यहां पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आप अपने इंस्टाग्राम को अब क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस अब आपको देखने को मिलता है। प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल जैसे ही आपको ओपन हो जाता है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आने लगा है। पहले ही आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखता था, बट यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने मिला है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पूरा नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इंटरफेस था पूरा ही चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अकाउंट डिलीट करना है तो यहाँ पर देखिए अकाउंट सेंटर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अकाउंट सेंटर जैसे ही ओपन होता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। अब इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके अकाउंट सेंटर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो वहाँ पर दोनों चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने फेसबुक भी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। आपको सेटिंग में जाना है, पर्सनल डिटेल में जाना फ्रेंड्स। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में जाएंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पर आपको टैप करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस पर आपको टैप करना है। अब आप यहाँ पर फेसबुक अकाउंट या फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ, तो फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट डीएक्टिवेट और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन आ रहा था। डीएक्टिवेट और डिलीशन को आप यहाँ पहले आज जान लीजिए। अगर आप डीएक्टिवेट कर रहे हैं अपने अकाउंट को, तो आप इंस्टाग्राम पर हाइड हो जाएंगे जब तक आप यहाँ पर लॉगिन नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा विद इन 30 डेज। अगर आप 30 डेज तक इसको लॉगिन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, आप कभी दोबारा इसको यहाँ पर जो है बैक नहीं हो सकता है। बट आप अगर यहाँ पर डीएक्टिवेट करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन दोबारा से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करते हैं, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को डालने पर फ्रेंड्स इसको यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।